पर हमला कर कर आवे आवे मोने हर कोई धमकावे धमकावे सात जना संसार में अरे जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान समान है हाथ जना आदमी अरे जीवते ही मुओड़ा जड़ा है हाँ अर्धे भरते लाश हाँ वे रोटी भी खाई रिया कपड़ा भी पहन रिया है अरे सब कुछ कर रिया है अरे लेकिन है वो डेथ बॉडी हाँ कोल काम वस कर्पण भी मुड्डा अरे अति दाड़द्री अजसी अरे और अति बुड्ढा बुड्ढा कोल हाँ जो आपरो धर्म सोड़े और बीजारा धर्म ने अपनावे जय हो वो भी संसार में जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान समान है कोल काम वस कर्पण भी मुड्डा बुड्ढा अति दाड़द्री अजसी अरे और अति बुड्ढा जय हो जो मायारी नींद में हुतोड़ो उन्हें ठाई नहीं है धर्म को ये हरी भक्ति को ये हमा ये बारे जो मोटियार उबा है उन्होंने निवेदन है कि आप लोग बैठ जाए हाँ ये लोक रंजन का कोई कार्यक्रम है ही नहीं आप लोग सुने बैठे श्रद्धापूर्वक सभी लोग बैठ जाए जय हो हाँ भाई कोल काम वस कर्पण भी मुड्डा अरे और अति दाड़द्री अजसी अरे और अति बुड्ढा बुड्ढा ये हाथ जना संसार में अरे जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है कई जनों ठाई नहीं धर्म कोई चीज है अरे अरे पुण्य कोई चीज है अरे अनंत तो छोड़ो रे ये मत करो आज तो भाग्यशाली है बाबूजी ये भक्ति बड़ी भाग्यशाली सब हो रहा ही नोट देखी जे कई बार आ जोड़ीरी मेहनती माते पड़े हकीकत को जय हो दसरा नोट ने वे ही फाटोड़ा हो अरे कटी नहीं आले तो हल्ड अप माय गल एक आदमी कोई भोंग नहीं पीतो भोंगरा नशा महादेव जी रा मंदिर में बढ़ियो पुजारी के नो दिमाग खराब है नशो की दौड़ो माय आ गयो आयो अबे नशा में ठाई नहीं पड़े हो महादेव जी के और शंकर जी क्या हाल है अरे अरे वो देखे इष्टा पी जाओ महादेव जी भोंग पीता नौ पी पियो कोई अरे अरे दो तीन दिन शंकर जी की और तीजे दिन तो टूकार माते आई की ऊपर तो फैमिली टर्म से और शंकर अरे अरे पुजारी कह रहे कोजो बोले अरे क्यों रे अबे इलाज को ये भोंगरा नशा में ठा नहीं पड़े अरे महादेव जी की मूर्ति रे आगे पर्दो लगा दियो छोटी गजानन जी की मूर्ति आगे बैठा दी अरे सौते दिन आईयो की महादेव जी है ही कोनी अरे नजदीक आयो गजानन जी देख गया माते हाथ फेरियो और पप्पू क्या हाल है अरे पापा को बोलना अंकल आके गए आज भी जय हो तो भाई जय हो मो पर हमला कर कर आवे आवे मोने हर कोई धमकावे धमकावे अरे जो ने दया शर्म नी आवे ये गायों पासी घरे लाबो आप लोगों की भावना है कि हम भी गौ माता की सेवा करे गायों मोरे घरे भी बहनी छेजे अरे बाबूजी मारा पिताजी जय हो शरीर छोड़वा सु अरे एक महीनों पहला री बात है खमा जिन आश्रम में रहता हमारा पिताजी अरे मैं क्यों आप स्वस्थ खराब है आप घरे पधारो पधारो मन के मैं भजन गाया नहीं है मैं भजन किदा है जय हो खमा मैं गेटा नहीं सारिया है अरे भजन किदो है हाँ और तू चिंता मत थन हो लागे क्या कदी ये वेरे किया तो लोग मोने कोई कहला अरे मैं अपने आप आ जाऊंगा घरे जय हो चिंता मत करो खमा फिर मैं मारा पिताजी ने कहो बाबूजी आप स्वस्थ बहुत खराब है अरे तो अपरे जो गाय है एंड गाय ने मैं कटी गौशाला में छोड़ दू अरे मारा पिताजी कहो गाय तो तू गौशाला में छोड़ेला अरे लेकिन सुबह उठे मूडो करनो देखो ला खमा सुबह उठते ही दर्शन किन्ना करोला अरे मैं की आपरा जे हो तो के मैं तो आज हों पछे काले नी हो फिर करना दर्शन करोला अरे तो आप समझिए माता पिता से भी यदि कोई बढ़कर है हाँ। तो वो है अपनी गौ माता माता आप यदि एक एक देव को मनाने का प्रयास करेंगे अरे लक्ष्मी के लोभ में आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं खमा लेकिन ध्यान दे हाँ। लक्ष्मी पूजा से पूर्व आपको गाय के गोबर से लीपन करना होगा चौको लगावनो पड़ेला अरे अरे फिर लक्ष्मी जी वटे पधारेला खमा तो क्यों नहीं आप गौ माता री पूजा करो अरे तो लक्ष्मी तो क्या 33 करोड़ देवी देवता आपकी सेवा में हाजिर रहेला भक्तों जय हो लेकिन सेवा होनी पड़ेगी मन से खमा खाली दीकावारी भक्ति कौम नहीं आवेला अरे आप यदि मन से सेवा करेंगे अरे कि 7 दिनों में मैं 1 दिन गौशाला में आऊला अरे गायरी सेवा करूला करूला मैं 7 दिन नहीं 15 दिन में आऊला अरे और मारी जो कमाई है हमारा कुछ अंश
मैं गौ माता ने अर्पण करूला तो मैं आपने कॉन्फिडेंस विश्वास रे हाथे कह दूं कि आपकी कमाई जो हजार गुणी नहीं बढ़े तो फिर मेरे से आप मिलना, ऐसा ही आपसे विश्वास दिलाता हूं। लेकिन सेवा करनी पड़ेगी मन से, खमा, क्योंकि अलग भरोसे उकले आदन ईश्वर दास और उकलियों में और सी बड़ो भगत है विश्वास। यदि विश्वास है तो आपकी भक्ति सार्थक है, खमा, और विश्वास नहीं है तो फर्जीवाड़ो मौलो गोरी पेट भराई है, बाकी कोई नहीं। अरे अरे तो जय हो। अबे बे, अरे भगवान सु अरदास करवा लगा कृष्ण भगवान सु, अरे थोड़ा नाराज वे गया किसान लोग, अरे और नाराज वे जरे ओढ़ बोते, अरे देख नहीं देता था नाराज बो तो रिये बड़ो बड़ो कदी भगवान नहीं ओढ़ बो तो दे दो कड़ो ओढ़ बो देवे। अरे अभी पया कने कने जोड़ी नहीं गालिया, वे लोग ऊपर हाथ करो एक बार, जने पया नहीं दीदा वे हूं सब जना आप, अच्छा क्योंकि आप गौ माता के सीसी कैमरे में ध्यान दे सभी लोग। स्वामी राम मानपुरी यूं गावे अर्धम अंतर ध्यान लगावे, स्वामी राम भारती जी यूं गावे। एक गायों पाची घरे अरे गायों नहीं लाई नहीं, पछे गायों रा फोटो बतावना पड़ी टाबरों के गायों याड़ी बेती हो। और यदि गौ माता आबाद नहीं है तो शायद हिंदू धर्म नहीं अपितु मानव जाति आबाद रहने वाली है नहीं, ये धरती और आसमान एक हो जाएंगे, विश्व समाप्त हो जाएगा अगर गौ माता नहीं है तो।